मेरा दिल बदल दे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, एक बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। उनके साथ जो भी हादसा हुआ उससे पहले कुछ से कुछ 3-4 दिन पहले या हफ्ता पहले वो मुझसे उन्होंने बात की कि मेरे वो कराची में कुछ सफाई का उन्होंने कैंपेन चलाई हुई थी, उसके लिए मुझे बुलाया कि हीरो आजा, हम यहाँ ये काम करते हैं। मैं क्योंकि कहीं शूट पे था तो मैं वहाँ नहीं जा सका, लेकिन मेरा उनके साथ बहुत ख़ास ताल्लुक रहा है। वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से मुझसे मिलते थे, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थी उनकी। और सबसे बड़ी बात यह कि हज जो हमने किया, तो मैंने जो अपना पहला और उस वक्त अभी तक जो एक ही हज किया है, और वो मैंने उन्हीं के साथ मुझे सआदत मिली, और वो उन्होंने मुझे बहुत मेरा ख्याल रखा। वहाँ 2008 में मैंने किया, मैं अपने वालिदैन के साथ था, तो मेरा एक वैसे ही जो हज आप जब साथ करते हैं तो आपका ताल्लुक और भी करीबी हो जाता है। तो ऐसे लोग मैंने ज़िंदगी में बहुत कम देखे हैं जो सबसे हंसी खुशी मिलते थे, प्यार से मिलते थे, और शायद इसीलिए वो जल्दी चले गए। और बहुत ख्याल रखने वाला इंसान वो सारी ज़िंदगी हम उन्हें नहीं भूल सकते। और वो बस मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके बारे में कि मैं क्या कहूँ, कि ऐसे लगता नहीं कि वो हमसे दूर चले गए हैं, वो ऐसे ही लगता है कि जैसे आज भी वो हमारे सामने हैं, और यकीन नहीं आता कि वो अब नहीं है हम में। तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक बहुत अच्छे इंसान थे जो हमेशा याद रहेंगे। फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।